हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में जो है व्यंजन संधि खत्म कर ली थी। व्यंजन संधि के हमने सारे के सारे भाग देख लिए थे और किस प्रकार संधि विच्छेद किया जाता है और किस प्रकार संधि व्यंजन संधि में बनती है वो सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो व्यंजन संधि के आगे वाला भाग है, यानी कि विसर्ग संधि। इस विसर्ग संधि को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संधि के अगर जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं संधि हमारे चैनल पर नए हैं तो संधि कब बनती है वो देख लीजिए। जब कोई भी हो, कोई शब्द ले लिया, जैसे मैंने विद्या प्लस आलय, ठीक है, दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का एक स्वतंत्र अर्थ है। विद्या का अलग है, आलय का अलग है, यानी कि विद्या और घर, ठीक है। विद्या यानी कि शिक्षा होती है, यानी कि कोई भी एजुकेशन, और आलय यानी कि घर या उसका स्थान, ठीक है। तो जब प्रथम वर्ड का यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर तथा द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर मिला देते हैं, ठीक है, तो इन वर्णों के मेल से जो विकृति उत्पन्न होती है, यानी कि विद्यालय, इसको मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, विद्यालय। तो इस वर्णों के मेल से जो विकृति, यानी कि इसका अर्थ भी बदल रहा है, यानी विद्यालय क्या होता है, स्कूल। तो इस विकृति से ही क्या है, संधियां प्राप्त होती है। तो संधि क्या होता है, प्रथम शब्द का हम अंतिम वर्ण लेते हैं तथा सेकंड यानी कि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेने पर हमें क्या है, जब विकृति उत्पन्न हो जाए तो उसको हम संधि कहते हैं। तो वर्णों के मेल से जो विकृति उत्पन्न होती है वो संधि का निर्माण करती है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विसर्ग संधि आप समझ सकते हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा, जब किसी संधि में विसर्ग से विकृति उत्पन्न हो, यानी कि विसर्ग क्या होते हैं, कोई भी दो बिंदु, ठीक है, जो आगे लगे हों शब्द में, जैसे अतः, तो ये क्या है इसका, ये विसर्ग है, दो बिंदु क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो इसी के तथ्य के आधार पर हम विसर्ग संधि को समझेंगे और इसके संधि वाले पार्ट को हम देखेंगे किस तरह संधि इसमें की जाती है और संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विसर्ग संधि में क्या है इसका, सबसे पहले हम नियम वन देख लेते हैं। नियम एक क्या कहता है इसमें विसर्ग संधि में, जब विसर्ग से पहले अ यानी कि छोटा आ हो, अथवा और लिखिए, और उसके बाद यानी विसर्ग के बाद आ अथवा सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, हर वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, ठीक है, सघोष व्यंजन यानी कि तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो, अथवा अंतःस्थ यानी कि या रा ला और वा, ठीक है, या रा ला वा अथवा हा अक्षर हो, ठीक है। तो विसर्ग एवं आ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, ठीक है, या ओ बन जाते हैं। डेफिनेशन नहीं समझ में आई है, देख लेते हैं एक बार और। जब विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, प्लस विसर्ग प्लस उसके बाद या तो आ हो या फिर सघोष व्यंजन हो तीसरे चौथे पांचवें, यानी कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण, ठीक है, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो, यानी कि या हो सकता है, रा हो सकता है, ठीक है, इनके नीचे हलन जरूर है, ठीक है, या हो सकता है, रा हो सकता है, ला हो सकता है या फिर वा हो सकता है, अथवा हा व्यंजन हो,
ठीक है। तो ये अंतस्थ और ये सब मिलकर क्या निर्माण करते हैं, यानी कि विसर्ग और इन चारों में से एक को मिलकर क्या बनाते हैं, अपने पास औ की प्राप्ति होती है। यानी कि इससे पहले जो शब्द लिखा है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा इसमें, और औ के बाद भी ऐसा कैसे, यानी कि जो इसके बाद लिखा हुआ है यो की तो लिख देंगे और इसके पहले जो लिखा हुआ है वो भी यो की तो आ जाएगा। तो पहले का औ धन बाद का, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ले लिया, जैसे तमह धन गुण। अब इसमें देखिएगा ध्यान से क्या बनना है, अपने पास विसर्ग है, विसर्ग के साथ तीसरा अक्षर हमें प्राप्त हो रहा है, इससे पहले आ की पर आ है, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, त धन अ धन म धन विसर्ग, यानी अ कुछ भी हो सकता है, फिर ग धन उ धन र धन आ, तो ये वर्ण विच्छेद हमें प्राप्त हो रहा है। तो विसर्ग से पहले आ की प्राप्ति हो रही है माँ, और इसको साथ में भी लिख सकते हैं। तो देखिए विसर्ग से पहले आ रहा है, उसके बाद भी हमें आ की प्राप्ति हो रही है, यानी कि कोई तीसरा वर्ण या तीसरा वर्ण हो गया ये का, ठीक है, विसर्ग तीसरा वर्ण और आ, ठीक है। तो इस तरह ये मिलकर क्या है कि क्या बनाएंगे, ये हमें औ की प्राप्ति होगी, यानी कि ये दोनों मिलकर विसर्ग प्लस तीसरा वर्ण मिलकर क्या बना देंगे, औ की प्राप्ति होगी। तो इससे पहले का शब्द लिख देंगे तम, इसमें औ गो मन धन योग। तो देख सकते हैं इसमें क्या है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले आ, और या जो है क्या है अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा अपने पास मनो योग, ठीक है। तो आ और आ मिलकर क्या बन जाते हैं, विसर्ग और आ मिलकर ओ की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार ये नियम एक जो कहता है वो याद रखेंगे, इसमें ये ट्रिक आपको एग्जाम में काम आएगी, ठीक है, संधि पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, सीधे सीधे आपको एग्जाम में रिविजन करने में सहायता मिलेगी और दिमाग में चीज भी आपके बैठी रहेगी। तो नियम एक ये हो गया, देखते हैं हम नियम दो की तरफ क्या कह रहा है। इसमें एक अपवाद क्या कहता है, यदि पुनः या अंत इन दोनों में से कोई शब्द हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, विसर्ग का अपने पास रा बन जाता है, यानी कि विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, ये अपवाद है, याद रखना है आपको। उदाहरण जैसे लिखा है अंत है धन धान, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो विसर्ग और अंत है के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, अंत के साथ कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, इसको रा की प्राप्ति करेंगे, विसर्ग जो है रा में चढ़ जाएगा, तो आगे वाले शब्द में ये रा में चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अंत धान, तो इस पे ये रा बन जाएगा, यानी कि रा की तरह इसमें शब्द में चिन्ह हो जाएगा अंतर्धान, ठीक है। दूसरा शब्द और देख लेते हैं, पुनः है धन जन्म, तो ये क्या बन जाएगा इसके बाद, पुनर् जन, ठीक है। तो इसमें भी विसर्ग जो है पुनः के साथ जुड़ा हुआ है, तो पुनः का जो शब्द है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, उसको जो विसर्ग है उसका बुरा पे चढ़ जाएगा, जा पे चढ़ जाएगा रा के रूप में, ठीक है। तो यही हमने पॉइंट पढ़ा था, जब भी ये अपवाद है याद रखिए, पुनः और अंत से कोई भी शब्द जुड़ा होता है तो वो रा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, नोट कर लीजिए, ठीक है। नियम दो देख लेते हैं आप, यदि विसर्ग से पहले पहले अ आ अ या छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए, जैसे कि ई ई उ ऊ ए ए उ आओ, इस तरह से कोई अन्य स्वर आए एवं बाद में आ ऊ ऊ अथवा अंतस्थ
स्थ अंत स्थ जानते हैं या र ल व इनमें से कोई आए ठीक है या तीसरा चौथा पांचवा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। डेफिनेशन समझ में नहीं आई, ध्यान से देखते हैं इसको, समझ में आ जाएगा। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ, ठीक है, जो मेन मेन चीज है उसको हम हाईलाइट कर लेते, समझ में आ जाएगा। छोटा आ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर आए, आ आ के अतिरिक्त मैंने बता दिया ई ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ के अतिरिक्त अन्य स्वर आए, एवं बाद में बड़ा आ छोटा उ बड़ा उ, ठीक है, इस तरह है। अगर न बोलना चाहे तो बोलिए आ उ ऊ, अथवा अंत स्थ यार अलावा में से कोई आए, या फिर तीसरे चौथे पांचवे वर्ण में से कोई आए तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला जो निकल के आएगा अपने पास, ठीक है, फॉर्मूले से आसानी से याद हो जाता है, ठीक है, डेफिनेशन भी समझने की जरूरत। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है इसमें, अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण, ठीक है, तो स्वर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आ आ के अतिरिक्त के अलावा या अतिरिक्त, ठीक है, ठीक है। फिर ये किसके साथ जुड़ेगा, या तो बड़ा आ के साथ, यानी आ के साथ, ऊ के साथ या ऊ के साथ, ठीक है, इससे पहले वाला वर्ण है वो ऐसे कैसा रहेगा, इसके बाद में, फिर इसके बाद या र ल व इसमें से किसी से जुड़े, या फिर तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से, या फिर तीसरे चौथे या पांचवें, इनमें से किसी से जुड़े, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, जो पहला वर्ण है उसको ऐसे ही लिख देंगे पहला इससे पहले, और फिर आएगा रा, रा में परिवर्तित हो जाएगा, बाकी बचा हुआ शब्द लिख देंगे, ठीक है। तो रा की प्राप्ति होती है इस तरह अगर कोई चीज जुड़ लेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम में और समझने के लिए आपको रिविजन करने के लिए फायदा देगा, ठीक है। नियम टू, अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। नियम दो के, जब विसर्ग से पहले आ आ के अलावा कोई अन्य, ठीक है, दूसरे आ ऊ अथवा अंत स्थ या तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से जुड़ा हो तो वह रा में परिवर्तित हो जाता, देख लेते हैं इसको। तो इसका देखिए उदाहरण, निहि प्लस आशा, तो देखिए इसमें क्या है, विसर्ग मिल रहा है और ना के साथ क्या जुड़ा हुआ है ई, ठीक है, तो विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर आ रहा है, यानी कि आ आ के अलावा क्या प्राप्त हो रहा है, मैं ई बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, ना धन ई धन ई, ठीक है, तो विसर्ग से पहले हमें अन्य स्वर यानी ई मिल रहा है, और इसके बाद क्या प्राप्त हो रहा है आ यानी कि आ मिल रहा है, देखिए, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ना ई, ये विसर्ग से पहले स्वर है और ये सारे मिलके क्या बन जाएंगे, विसर्ग से पहले स्वर हो उसके बाद बड़ा आ रहा हो या फिर अंतस्थ आ रहा हो या पांचवा वर्ण कोई आ रहा हो तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको ऐसे ही लिखा दे देंगे पुराने वाले को, नि इसमें रा में परिवर्तित कर देंगे और ये लिखा जाएगा निराशा, ठीक है। तो इस तरह इसके उदाहरण को हम समझ सकते हैं, ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं, नि प्लस अर्थक, इसमें भी सेम देख लीजिए, वही सेम कंडीशन, विसर्ग से पहले ई आ रहा है और बाद में आ आ रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा नि, राम में चेंज हो जाएगा तो ने र, और ये बाकी बचा हुआ कैस में चेंज ऐसे कैसे लिख देगा ने र, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि नियम दो क्या कह रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते नियम तीन की तरफ, ठीक है, जो नियम तीन कह रहा है वो देख लीजिए, नियम तीन क्या कहता है, ये इसमें कह रहा है विसर्ग का श, ठीक है, श इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य श, या फिर श इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, ये सारी चीजें मैंने
हिंदी व्याकरण के सबसे पहले यानी वर्णमाला चैप्टर में आपको बताइए, उसको अगर समझ में नहीं आया तो हम क्या के वो है देख सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो श, श और सा, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका है दंत, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बोला जाता तालव्य से, ठीक है, यानी कि ताल, मूर्धन्य से यानी मूर्धा, और ये क्या है दंत, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इसको इसी क्रम में, ठीक, परिवर्तन, ठीक है, इस तरह लिखेंगे इसको, जो विसर्ग है श श सा में कब परिवर्तित होता है, जब स्वर के साथ विसर्ग हो तथा बाद में क्रमशः च छ यत अथवा त ठ अथवा त ठ आए तो क्या क्या आए अपने पास विसर्ग के साथ, स्वर के साथ कोई विसर्ग जुड़ा हो उसके बाद चा छा आए अथवा ट ठ आए अथवा त थ आए, तो क्रम वह क्रमानुसार या फिर वह क्रम से च छा आएगा तो शा में परिवर्तित होगा, क्योंकि चा छ और इसका शा का उच्चारण स्थान सेम है, इसलिए चा छा वाले किसमें यार परिवर्तित हो जाएंगे शा में, ठीक है। इसको मैं ट्रिक के माध्यम में भी लिखवा दूंगा, शा में, शा में, तो क्रम से शा में, शा में यानी कि शो में और सा में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, इस तरह देखिए इसको, ठीक, इस पर भी परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब कैसे लिखेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से देखिए, स्वर हो कोई प्लस विसर्ग, उसके साथ जुड़ा हो कोई च शब्द, ठीक है, तो ये किसमें परिवर्तित होगा, ये श में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार स्वर प्लस विसर्ग प्लस चा या छा लिख लीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है, च छ, इसमें भी ट ठा वाला किसमें चेंज होगा, टा या ठा वाला, वो शा वाले में जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान और श का उच्चारण स्थान सेम ही है, ठीक है, मूर्धन्य है। इसी प्रकार स्वर हो विसर्ग हो और त था जुड़ा हो तो वह किसमें चेंज होगा, वो स में चेंज होगा, ठीक है। इसके एक ट्रिक याद रखिए, ये बोले जाते हैं दोनों किससे, तालु से, यानी कि तालव्य वर्ग के हैं, इसलिए इसमें परिवर्तित हो रहा है। टा ठा और शा ये किसके हैं, मूर्धन्य, ये आपको याद रखना है जिससे आप भूले नहीं, और ता था दा ये दंते से, ठीक है, इसलिए ये इसी में ही परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, आसानी से समझ आएंगे। उदाहरण है निह धन चल, ठीक है, इसको हम जब विच्छेदित करेंगे तो बन जाएगा अपने पास न धन ई धन विसर्ग प्लस किससे मेल हो रहा है इसका, च से, ठीक है। तो क्या कह रहा है परिभाषा में, जब स्वर के साथ, जब स्वर के साथ विसर्ग हो, विसर्ग हो बाद में क्रमशः चाय छाए, ठीक है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये किसमें, श में परिवर्तित, तो लिखेंगे इसको क्या मिल जाएगा अपने पास, नि चल, समझ में आ गया हो, स्वर जुड़ा हुआ है, संधि विच्छेद, पहले वर्ण विच्छेद करके देखिए, स्वर जुड़ा हुआ है, स्वर के साथ विसर्ग है, विसर्ग के साथ चा वर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार यदि ता वर्ग हो या ता वर्ग हो तो क्रमशः श सा में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि नमः धन ते, अब देखिए इसमें क्या क्या है, न धन अ धन म धन अ, ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद किया हमने, ठीक है, प्लस विसर्ग, ठीक है, ये किससे जुड़ रहा है, ये तावर्ण से जुड़ रहा है, प्लस, अब देखिए ध्यान से, इसमें स्वर विसर्ग और तावर्ण
जब तीनों जुड़ रहे हैं तो क्या प्राप्ति होती है, तावर्ग का जो अपने पास दंते वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो तावर्ण का उच्चारण स्थान वो है दंत, तो दंत से हमें क्या प्राप्त होता था, सा। तो इसको हम लिखेंगे सीधे सीधे नमस्ते, ठीक है। इस तरह हम संधि विच्छेद की संधि कर सकते हैं या संधि की संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स आपके मैथमेटिकल भाषा पूरी हिंदी, ठीक है, आप कंसेप्चुअल समझ सकते हैं इसको और कहीं भी परेशानी नहीं होगी। सारी चीजों के आपको फॉर्मूले पता हो जाते हैं, ठीक है। बस एक बार स्टार्टिंग में पढ़ने में कठिनाई होती है, एक दो बार रिविजन करते हैं तो पूरी चीजें साइंस की तरह याद होती है इसमें हिंदी में। तो हिंदी में कोई घबराने की बात नहीं है, सीधे सीधे इसमें हर चीज का एक तथ्य रहता है। एक हिंदी में जो है व्याकरण में एक टेक्निकल यानी कि साइंटिफिक भाषा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें नियम देखते हैं। नियम चार क्या कह रहा है, विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होगा। नियम चार कहता है विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो। इसका सीधे सीधे हम टेक्स्ट देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। जब सीधे सीधे इसका हम ट्रिक या फॉर्मूला याद रखेंगे, पहली ट्रिक क्या कह रही है, जब विसर्ग के बाद कोई श श स आए तो कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है, कोई बदलाव नहीं। और एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा, तथा विसर्ग व्यंजन का रूप ले लेता है, ठीक है, रूप ले लेता। तो इसमें क्या समझ में आया, जब विसर्ग के बाद अपन शाह हो श हो या सा हो तो कोई बदलाव नहीं होता, वो व्यंजन का रूप ले लेता है विसर्ग। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा लेते हैं, जैसे लिखा हमने दु दु प्लस शासन। तो इसको लिखेंगे हम, विसर्ग किसका रूप ले लेता है, आने वाले व्यंजन का, तो ये हो जाएगा दु शासन, कोई चेंज नहीं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको व्यंजन में परिवर्तित कर देते हैं, जो अपने पास जो विसर्ग है उसको व्यंजन में परिवर्तित कर देंगे, शासन, ठीक है। इसी प्रकार एक उदाहरण देखते हैं इसका, निह प्लस संतान, विसर्ग के बाद सा जुड़ा हुआ है, इसमें शा था इसलिए इसको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्या है, विसर्ग ने परिवर्तित होके उसके व्यंजन का रूप ले लिया। इसी प्रकार इसमें विसर्ग को व्यंजन के रूप में परिवर्तित कर देंगे और किसी चेंज नहीं होगा, तो नहीं संतान पहले तो इस तरह लिखेंगे, फिर इसको व्यंजन का रूप दे देंगे, तो ये हो जाएगा नि संतान। इसी में दूसरा पॉइंट है, जब विसर्ग के बाद का जुड़ा हो, ख जुड़ा हो, पा जुड़ा हो, सॉरी प जुड़ा हो या फिर फा जुड़ा हो, तो इसमें भी सेम सिचुएशन, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। ऐसे उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे कि लिखा हमने उदाहरण, अंत है प्लस करण। देखिए विसर्ग के बाद का शब्द जुड़ा हुआ है, का ख ग प फ में से कोई आया तो कोई बदलाव नहीं, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, अंत है कर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक अपवाद है, या फिर इसको याद रखिएगा, नोट करके लिखिएगा एक पॉइंट को, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई हो, तो श में परिवर्तन हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ई हो तो वह श में परिवर्तित होती है, ठीक है, होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं इसका भी, समझ में आएगा। देखिए उदाहरण, निह प्लस कपट, तो विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है और का जुड़ा हुआ है, तो जब छोटी की मात्रा हो तो किस में चेंज हो जाता है, वो श में परिवर्तित हो, तो
तो ये हो जाएगा अपने पास निश कपट। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इसी तरह याद रखना है। तो नियम चार ये कहता है जब विसर्ग विवाह श श सा हो तो कोई बदलाव नहीं, लेकिन विसर्ग क्या है व्यंजन का रूप ले लेता है, हमने एग्जांपल देखा इसको उदाहरण। इसी प्रकार विसर्ग विवाह क ख फ फ कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब इसके बाद अलावा छोटी की मात्रा लगी हो तो वह श में परिवर्तित हो जाता है। लास्ट नियम नियम पांच देख लेते हैं। नियम पांच क्या कहता है, नियम पांच अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ठीक है, नियम पांच क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है तथा ऋष्व का दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ मात्रा यानी कि दीर्घ में आ जाती है मात्र रूप में। ठीक है, दीर्घ मात्रा बन जाती है तथा ऋष्व का दीर्घ मात्रा हो जाती है, हो जाता है इस तरह लिखे। ठीक है, तो पॉइंट क्या कह रहा है, जब विसर्ग के बाद रा लगा हो तो विसर्ग का तो लोप कर देंगे, ठीक है, और ऋष्व का दीर्घ मात्रा हो जाती है। उदाहरण देख लेते हैं इसका, कैसे लिखा है, नहीं धन रो। तो देखिए विसर्ग के बाद रा की प्राप्ति हो रही है तो ऋष्व का धीर कर दीजिए और विसर्ग को हटा दीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, ये का व और खा पॉइंट क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो तो, एक पॉइंट कह रहा है इसमें रा की वाली हो तो रा के साथ क्या है विसर्ग हट जाता है और ऋष्व का दीर्घ बदल जाता है। ठीक है, अब क्या है जब आ और आ हो विसर्ग के से पहले, ठीक है, तो क्या करेंगे बाद में अलग स्वर हो यानी कि भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग का इसका उदाहरण देख लीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आ या आ हो बाद में अलग स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे लिखा हमने अतः धन एव। अब देखिए यहां विसर्ग से पहले आ है, आ के बाद और विसर्ग के बाद क्या है अन्य स्वर है, तो विसर्ग और ये सब मिलके क्या बन जाएंगे अपने पास, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अतः एव। ठीक है, विसर्ग हटाइए और उसको शब्द को इस तरह लिखिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें गा पॉइंट, यानी कि एक नियम नियम पांच में ही तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नमः और पुर में, नमः पुर में जो विसर्ग लगे हुए हैं इसका में विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, अब देखेंगे कैसे। जैसे हमने नमः लिखा, नमः उदाहरण में नमः धन कार। ठीक है, तो इसको देखिए उदाहरण के तौर पर क्या कह रहा है वो, जब नमः और पुर में विसर्ग का सा हो जाता है तो विसर्ग को हटाएंगे, इसमें सा लगा देंगे, नम विसर्ग हटाइए सा लगाइए और ये बन जाएगा नमस्कार। ठीक, तो इस तरह हम हिंदी के शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी वर्णों के मेल से भी विकृति उत्पन्न होती है, इस तरह हमें शब्द प्राप्त होते हैं। तो नमस्कार शब्द आपको इस तरह विच्छेदित करेंगे तो नमः धन का इसका शब्द बनेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने विसर्ग संधि के सारे नियम देखे, 1 2 3 4 5 और प्रत्येक नियम के हमने उदाहरण के साथ समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अगर आप कहेंगे तो इसके कुछ एग्जांपल और करा दूंगा और एक्सरसाइज भी करा दूंगा जिससे आपको
एग्जाम की तैयारी करने में आसानी रहे, ठीक है। नहीं तो नए लेक्चर में, नए दूसरे लेक्चर में हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी का ही, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।